हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी 11 छात्राओं का बालाजी जूनियर कॉलेज बुट्टीपुरी में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं सीबी डेयनकर सर बालाजी जूनियर कॉलेज में जूनियर कॉलेज में 11 और 12 को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से स्कूल मार्च को बंद कर दिया था और उसके बाद अभी तक स्कूल ओपन नहीं हुआ है। और ड्यू टू कोरोना कोविड-19 की वजह से 10 का रिजल्ट और 12 का रिजल्ट, ठीक है, 10 का रिजल्ट जो है वो लेट लगा है और उसके कारण जो एडमिशन प्रोसेस जो है वो लेट हुई है, आपकी एडमिशन हुई है वो लेट हुई है। और अभी भी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है कि इस तारीख को स्कूल स्टार्ट हो सकता है करके। तो स्टूडेंट्स, जब स्कूल स्टार्ट होगा तब हो जाएगा, लेकिन हमने आपको बोला था कि अगर स्कूल स्टार्ट भी नहीं होता है तो हम ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन आप सभी स्टूडेंट का बालाजी जूनियर कॉलेज में वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अभी स्कूल चालू होने तक जो भी आपको वीडियोस आएंगे वो आपको ऑनलाइन आपको पढ़ना है, कुछ दिन के लिए आपको ऑनलाइन पढ़ना है। अभी क्या होता है, बुट्टीपुरी जो एरिया है ये ग्रामीण एरिया है और उस बुट्टीपुरी एरिया में जो भी बच्चे स्कूल में आएंगे, जो अपने 11 साइंस में है या आर्ट कॉमर्स बाकी स्टूडेंट भी है, सभी स्टूडेंट बुट्टीपुरी प्रॉपर बुट्टीपुरी के नहीं है, बुट्टीपुरी के आसपास जो भी जितने भी विलेजेस है उस विलेजेस के स्टूडेंट है। तो लोकलाइज जो ग्रामीण स्टूडेंट है उन सभी के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे मुझे जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पेरेंट्स का वो मोबाइल यूज करने वाले हैं, बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, एक पर्टिकुलर आपको टाइम दिया रहेगा और उसके माध्यम से अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं तो उस टाइम में उस स्टूडेंट के पास मोबाइल अवेलेबल रहना चाहिए। या कभी कभी स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है कि कवरेज का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, उसकी वजह से ही बच्चों को पढ़ने में डिफिकल्टी आ सकती है। इसलिए क्या करना है कि आपको एक टाइम टेबल दिया जाएगा। आप अगर मान लो 11 साइंस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिशरी में या जनरल साइंस में, तो आपको ब्रांच वाइज टाइम टेबल मिलेगा और टीचर्स आपको उस टाइम टेबल वाइज खुद वीडियो बनाकर आपका जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में टाइम टेबल वाइज सभी सब्जेक्ट टीचर्स आपको वीडियो डालेंगे और वो आपको पढ़ना है। अगर मान लो मंडे को मैथमेटिक्स का लेक्चर है तो एक पर्टिकुलर जिस दिन में जिस लेक्चर दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको वो वीडियोस ग्रुप में डाले जाएंगे और वो स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर लिया था और एक व्हाट्सएप नंबर लिया था। वो व्हाट्सएप नंबर इसलिए लिया था स्टूडेंट्स कि अगर कुछ रीजन से वजह से, कोरोना की वजह से अगर स्कूल अगर लेट चालू होता है तो ऑनलाइन क्लासेस हम लेने वाले थे और इसलिए उस टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमने आपसे एक व्हाट्सएप नंबर लिया था। और वो व्हाट्सएप नंबर का अगर आप 11 साइंस जनरल साइंस में हो तो उसका एक अलग ग्रुप बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो उसका एक अलग ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद अगर आप फिशरी में हो तो उसका एक अलग ग्रुप रहेगा, आर्ट में होंगे, कॉमर्स में होंगे, अलग अलग ग्रुप रहेगा। जो आपने नंबर दिया था व्हाट्सएप नंबर, वो व्हाट्सएप नंबर उस ग्रुप में रहेगा। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे कुछ स्टूडेंट के फोन आए थे कि सर हमारा ये नंबर नहीं है, हमारा ये नंबर ऐड करना था। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं यही बोलूंगा कि आपने जो पुराना नंबर दिया है वो नंबर अगर ग्रुप में ऐड आपका होता है, ठीक है, तब आप उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नंबर नहीं है, आपने या दूसरा मोबाइल लिया और आपको वो नंबर उस ग्रुप में ऐड करना है, तो फिर आप उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये नंबर चेंज करना है, ठीक है, या फिर आप मुझे पर्सनली
फोन कर सकते हो। स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सभी स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने अभी तक 11 की टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी है उन सभी स्टूडेंट ने आपको उन सभी स्टूडेंट को 11 की टेक्स्ट बुक खरीदना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो सिलेबस 25% रिड्यूस हुआ है, बराबर है। तो वो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बताऊंगा कि यही सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है तब आप लिखोगे तो आपके पास टेक्स्ट बुक चाहिए, बराबर है। क्या करना है कि टेक्स्ट बुक में ही अगर मान लो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो आपको कैसा पता चलेगा, क्या करना है आपको टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस नहीं है जिस चैप्टर का वो आपको पेंसिल से क्रॉस करना है और लिखना है, ठीक है, कि ये सिलेबस बोर्ड के सॉरी 11 के जो एग्जाम रहेंगे उस एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो भी अभी ये जो आज का मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। तो पेपर वन में कौन से चैप्टर है, पेपर टू में कौन से चैप्टर है, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूँ। उसके बाद थर्ड लेक्चर में स्टूडेंट्स आपका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, उसके बाद फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, उसके बाद आपकी सेकंड यूनिट टेस्ट का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, फाइनल जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल के मार्क है वो कैसे रहेंगे, कितने रहेंगे, उसका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, ये सारी चीजें स्टूडेंट मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैं ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, वैसे ही बाकी टीचर्स आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बस आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन के माध्यम से जो स्कूल में जैसे अगर मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मेरे आगे सभी स्टूडेंट रहते हैं तो आई कॉन्टेक्ट रहता है, जो इंट्रैक्शन होना चाहिए वो प्रॉपरली होता है, लेकिन इसमें मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे सामने कैमरा स्टूडेंट्स नहीं है, बराबर है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मेरे सामने स्टूडेंट है, वैसा है, आप ऐसा समझ लो कि आपके सामने टीचर्स है, मैं हूँ, ठीक है। तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डिफिकल्टीज आती है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो आपका ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आप टेक्स्ट डाल सकते हो, सर मुझे इसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम जा रही है या स्कूल के बारे में भी अगर कुछ प्रॉब्लम जाती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन स्कूल चालू होने तक अभी से आपके वीडियो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास था, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैथमेटिक्स में दो पेपर है उस पेपर के चैप्टर के बारे में बताऊंगा, कौन से चैप्टर आपको 10 के बेसिस पे थे, 10 और 12 में थोड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी तक आपने देखा था कि 10 में जो सिलेबस था वो कम है, 11 में सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो कौन सा सिलेबस 11 का 12 में इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिलेबस JEE और नीट के लिए एग्जाम है, JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट में नेक्स्ट वीडियोस में डालने वाला हूं, ठीक है। तो आप ये वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अगर मैं डालूंगा, ठीक है, तो वो आप देख सकोगे, ठीक है। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। और मेरा जो नंबर है आप नंबर लिख लो, ठीक है, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन पूछनी होंगी, कुछ क्वेरीज होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दिस इज CB डेनकर सर, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ क्वेरीज आती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो। थैंक यू।